आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ में कांग्रेस के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश लाल खाबरी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम देश और प्रदेश में कर रही है। 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर किया जाएगा। किस स्थिति से गुजर रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी हमारे साथ हिस्सेदारी बनती है इन अन्याय, अत्याचार और बेरोजगारी के खिलाफ। इसलिए आज हमने आपको यहाँ बुला करके अपनी बात कहने का प्रयास किया है। आप सब साथ ही मिल करके 13 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है, वैसे भी कांग्रेस हमेशा जो भी कार्यक्रम करती है किसी तरीके का कानून हाथ में नहीं लेती है। कानून के दायरे में रह करके अहिंसात्मक जो हमारा प्रदर्शन है, घेराव है, हम करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार हम लोगों को पुलिस का भय दिखा करके, पुलिस की एक दीवार खड़ी करके रोकने का काम करती है। हम इस बार इस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हैं। राजभवन तक जाकर के हो रहे प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए तमाम जो मुद्दे हमारे सामने, उन मुद्दों को उन तक ले जाना चाहते हैं। आप सहयोग करें, प्रदेश को बचाएं और देश को बचाएं, ये हमारा आपसे अनुरोध है। सच की लड़ाई चारों तरफ चल रही है कि कौन सच के साथ है, कौन झूठ के साथ है, कौन देश बेचने वालों के साथ है, कौन देश बचाने वालों के साथ है, कौन अडानी के साथ है, कौन पूरे हिंदुस्तान के समस्त व्यापारियों के साथ। तो ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, अब महंगाई वगैरह तो एक मुद्दा गंभीर है ही है, लेकिन उन मुद्दों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे देश के लिए है कि अगर वास्तव में झोला तैयार हो गया है और झोला लेके भागने का कार्यक्रम बन रहा है तो झोला पकड़ करके रोक दीजिए। और मीडिया का रोल बहुत अहम होगा। अगर झोला लेके भाग गई है, काफ़ी लोग उसमें करीब 8.5 लाख लोग झोला ले लेके जा चुके हैं, अगर कहीं अडानी साहब को झोला पकड़ा दिया, झोला लेकर निकल गए, तो वास्तव में हमारे देश में ऐसा मंजर बनेगा जिसकी कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।